हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने जान लगा दी है। शिमला में कांग्रेस ने वॉर रूम बनाया है जहां राहुल गांधी की टीम काम कर रही है। इस वॉर रूम का जिम्मा खुद लोकसभा सदस्य और राहुल गांधी की टीम का हिस्सा गौरव गोगोई ने संभाला हुआ है। यहां सभी बड़े टीवी चैनलों को मॉनिटर किया जाता है, साथ ही हिमाचल से जुड़े मुद्दों पर छोटे छोटे वीडियो भी बनाए जाते हैं जिनको वायरल कराया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव तिवारी की ड्यूटी भी यहां लगाई गई है। यहाँ पर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी बैठती है। दिल्ली में कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को संभाल रही दिव्या के बाद नंबर दो विपिन यादव यहाँ 14 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। इस टीम में ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो डिजाइनर, कंटेंट राइटर जैसे लोग शामिल हैं। ये टीम हिमाचल के मुद्दों को फोकस कर रणनीति तैयार कर रही है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक से जुड़ी है। शिमला में दो और वॉर रूम बनाए गए हैं जिन्हें गुप्त रखा गया है। यहाँ पर माइक्रो लेवल की रणनीति तैयार की जा रही है और डेटा एनालिसिस का काम भी हो रहा है। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।